एक्सरसाइज 11 का आगे क्वेश्चन नंबर 11.2 का छठा क्वेश्चन करते हैं। तो छठे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आया, अभी 6 नंबर का है, बिल्कुल सिंपल 3 नंबर का सही क्वेश्चन, लेकिन ये 6 नंबर में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या करता है, ए बी सी डी की जगह नाम बदल देगा पी क्यू आर एस। तो ये चीज आप इनके अल्फाबेट चेंज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो आकृति दे रखी है इसमें ए बी ई एफ और डी तीनों लाइन समांतर है और सिद्ध करना है ए बटा में ए डी और डी एफ बटा में एफ सी। अब यहाँ जो डायरेक्ट आकृति दे रखी थी उससे अपन त्रिभुज में जो थेल्स प्रमेय लगती थी वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय कब लगती है जब एक लाइन दूसरे के समांतर हो, जो कि ये दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप लगाओ तो ये ई और डी सी के समांतर है, ऊपर वाले में लगाओ तो ये ओ एफ है वो ए बी के समांतर है। तो अगर ये तीनों लाइन समांतर दी हुई थी तो इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा था। तो आपको त्रिभुज की बढ़ाने के लिए इसमें या तो बी डी विकर्ण को मिलाओ या ए सी विकर्ण को मिलाओ, इनको मिलाने के बाद ये त्रिभुज बन गए हैं। और त्रिभुज में जो ये समांतर है तो इसमें आप थेल्स प्रमेय अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर ये ई ओ डी सी के समांतर बन रहा है और ऊपर वाला ये त्रिभुज लेते हो तो ये ओ एफ है वो ए बी के समांतर बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में आपको थेल्स प्रमेय अप्लाई करना है। तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी के अंदर ई ओ समांतर है डी सी, क्योंकि अगर ये पूरी भुजा इसके समांतर है तो ये इसका इतना पार्ट भी इसके समांतर है। तो ये जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से अब जो रिजल्ट थेल्स प्रमेय से कौन सा लिखना है वो सिद्ध करना होगा। देखो ए और ई डी आ रहा है तो ए और ई डी, इसका मतलब ये पार्ट वाइज आपको लगाना है। तो ए बटा में ई डी, ए बटा में ई डी बराबर, इधर ए बटा ई डी लगाए तो इधर ए ओ बटा में ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी लिख दो चाहे सी ओ लिख दो, ये समीकरण नंबर हो गई ए। अब जो ऊपर वाला ये त्रिभुज है ए बी सी में, इसमें लगाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें कौन कौन सी समांतर है, ओ एफ समांतर है ए बी के, क्योंकि पूरी भुजा इसके समांतर है तो ये ओ एफ इतना पार्ट भी इसके समांतर होगा, तो ओ एफ समांतर होगा ए बी के। ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय यहां पर भी लगाओगे तो थेल्स प्रमेय से कौन कौन से रिजल्ट बनेंगे। देखो आपको समीकरण नंबर जो एक है इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन रिजल्ट उधर बनेगा, तभी आप समीकरण नंबर एक और दो का कंपेरिजन कर पाओगे। तो आपके पास ए ओ बटा सी ओ जो कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो इसका मतलब ए ओ बटा सी ओ लाओगे तो इधर फिर क्या होगा बी एफ बटा में एफ सी लिखोगे। तो ए ओ बटा में सी ओ रिजल्ट आपको लेकर आना है तो इसमें किसके बराबर होगा बी एफ बटा में बी एफ बटा में एफ सी के, ये समीकरण नंबर हो गई दो। तो समीकरण नंबर जो एक और समीकरण नंबर जो दो है इन दोनों में जो राइट साइड ए ओ बटा सी ओ बराबर है तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण नंबर एक व दो से एक व दो का जब आप कंपैरिजन करोगे तो ए ई बटा में ई डी बी किसके बराबर होगा ए ओ बटा में सी ओ के, यस बी एफ बटा में एफ सी के बराबर होगा ये। तो ये रिजल्ट आपको सिद्ध करना था एज इट इज। कई बार ये जो रिजल्ट है वो उसका व्युत्क्रम दिया हुआ होता है तो आप इसका व्युत्क्रम कर दोगे, जैसे ई डी बटा ए पूछ सकता है, एफ सी बटा बी एफ पूछ सकता है, तब आपने इसका व्युत्क्रम कर दिया। तो ये रिजल्ट सिद्ध करना था तो हेंस प्रूव्ड। ये 6 नंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय लगाते ही कैसे लगानी है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देख करके लगानी है।